नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे एक नए विषय नए सब्जेक्ट पर आपसे परिचर्चा करेंगे। हमारे नव प्रवेशित विद्यार्थी जिनको प्रमोट करके बीकॉम भाग सेकंड में कर दिया गया है और उनको अस्थायी रूप से ये प्रमोशन दिया गया है, तो अब उनको अपने नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी है और उनकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, बीकॉम भाग सेकंड यानी बीकॉम भाग द्वितीय, और उसमें एक पेपर चलता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, और आप जो कंपटीशन की आपकी जो तैयारी करते हैं उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित आपके क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको अभी से उसकी तैयारी करनी है कि आपको आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो और कंपटीशन का जो एग्ज़ाम आप आगे देंगे उसकी तैयारी आपको दोनों को साथ साथ करनी है। तो इसको आपको बेहतर तरीके से समझना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको गहराई से इसका अध्ययन करें, और इसी क्रम को ध्यान रखते हुए आज हम दो टॉपिक्स पर आपसे बात करेंगे, एक तो कॉस्ट सेंटर है और एक है प्रॉफिट सेंटर, यानी आज का टॉपिक क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, यानी लागत के अंदर और लाभ के अंदर, ये दो टॉपिक्स हैं जिन पर आपसे चर्चा होने वाली है। तो पूरा ध्यान से आपको इसको सुनना है, समझना है और नोट जरूर करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करें, आज का हमारा टॉपिक कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, लागत के अंदर। लागत लेखांकन के दृष्टिकोण से लागतों पर नियंत्रण करने के लिए समस्त संगठन को सुविधापूर्वक इकाइयों में विभाजित करना उचित समझा जाता है। अगर लागत लेखांकन के दृष्टिकोण से बात करें तो लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समस्त संगठन को सुविधापूर्वक, आपकी जैसे भी सुविधा है उसके अनुसार इकाइयों में विभाजित करना उचित समझा जाता है। आप अपने संगठन को इकाइयों में डिवाइडेशन कर लीजिए, किस लिए, लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और इकाई या तो एक विभाग हो सकता है, उप विभाग हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, एक औजार हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह भी एक यूनिट हो सकती है। जैसे आपका संगठन है, आपकी सुविधा है, उसके अनुसार आपको उसको डिवाइडेशन करना होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित विभागों को भी हम एक साथ मिला देते हैं, देखते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली शैली सब एक, काम करने का तरीका एक सा है, तो उसको मिलाकर हम एक विभाग मान लेते हैं, और लागत लेखांकन के दृष्टिकोण से उन्हें एक इकाई माना जाता है। उदाहरण के लिए समझे, लॉन्ड्री जहाँ पर कपड़ों को साफ किया जाता है, धोया जाता है, उनको प्रेस वगैरह की जाती है, तो उसमें कई काम होते हैं, जैसे कपड़ों को क्या करना, इकट्ठा करना, उनको छांटना, उनमें निशान लगाना, उनको साफ करना, उस्त्री करना, प्रेस करना आदि कई क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो करना क्या है, प्रत्येक जो क्रिया की जा रही है उसको एक अलग लागत के अंदर समझा जाए। अगर प्रत्येक क्रिया को हम एक अलग लागत के अंदर समझेंगे तो क्या होगा कि हमें उस लागत के अंदर की जो लागत है उसको हम अलग से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कपड़ा लाने की जो आपकी लागत है, कॉस्ट है, वो कितनी है, आपको धोने में कितना लागत लगी, प्रेस करने में कितना लागत लगी, इन सब की अलग अलग कॉस्ट आप ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कब कर सकते हैं, जब आप प्रत्येक क्रिया को एक अलग लागत के अंदर बना देंगे। अगर लागत के अंदर नहीं बनाएंगे तो आपको लागत का पता नहीं चलेगा, टोटल कॉस्ट आपको ज्ञात होगी लेकिन अलग कॉस्ट क्या है ये आपको ज्ञात नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, हम लागत के अंदर को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे नंबर वन है उत्पादक, अनुत्पादक व मिश्रित लागत के अंदर, नंबर दो व्यक्तिगत एवं
अव्यक्तिगत लागत के अंदर, और नंबर 3 क्रिया व प्रक्रिया लागत के अंदर। 3 प्रकार से हम उनको डिवाइडेशन कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब सिलसिलेवार सबसे पहले करेंगे उत्पादक, उत्पादन लागत के अंदर वह केंद्र है जिसका कार्य वस्तुओं का उत्पादन करना है, यानी उत्पादक जो लागत केंद्र है वह लागत केंद्र है जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है। सेवा या अनुउत्पादक लागत केंद्रों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, परंतु वह जो प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर है उनको आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे सेवा केंद्रों के उदाहरण प्रशासनिक, मरम्मत सामग्री, ड्रैंक्स कार्यालय आदि। जैसे आपको उदाहरण के लिए समझाएं तो ऑफिस की जो आपकी बिल्डिंग है उसमें ऑफिस स्टाफ आपके जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है उसकी हेल्प करते हैं। इसमें रिपेयर से संबंधित है, सामग्री से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, ड्रैंक्स से संबंधित जो कार्यालय है वो आपके अनुउत्पादक कॉस्ट सेंटर है, परंतु वो कॉस्ट सेंटर जो प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर है उनमें हेल्प करते हैं। निश्चित लागत केंद्र वह केंद्र है जो कभी भी उत्पादन कार्य करते हैं और कभी सेवा कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक संयंत्र विवाद उत्पादन लागत केंद्र बन जाए, जबकि वहाँ ऐसे संयंत्रों का उत्पादन होगा जिन्हें विशिष्ट कार्य व आदेशों में प्रयुक्त किया जाए। उदाहरण के लिए समझे तो एक संयंत्र है, उसको हम लागत उत्पादन केंद्र बन जाए, उसको बना लें, जबकि वहाँ पर ऐसे संयंत्रों का उत्पादन होगा जिन्हें विशिष्ट कार्य व आदेश में प्रयुक्त किया गया है, और ये विभाग सेवा लागत केंद्र बन जाएगा, तब वहाँ कारखाने के लिए मरम्मत कार्य होगा। अव्यक्तिगत लागत केंद्र जहाँ विभाग या संयंत्र को इकाई माना गया हो वह व्यक्तिगत लागत के अंदर है, जहाँ एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इकाई के रूप में लिया जाता है क्रिया लागत केंद्र उसे कहते हैं जिस लागत केंद्र में ऐसी मशीनें या व्यक्ति जो एक जैसी ही क्रिया करते हैं। यदि एक लागत केंद्र में क्रिया उनके लगातार क्रम में चलती रहती है तो उसे प्रक्रिया लागत केंद्र कहते हैं। वापस समझ लेते हैं कि क्रिया लागत केंद्र उस केंद्र को कहते हैं जिस लागत केंद्र में ऐसी मशीन या व्यक्ति हो जो एक जैसी क्रिया करते हो, उसे क्रिया लागत केंद्र कहते हो। और ये लागत केंद्र जिसमें क्रिया उनका क्रम जो क्रिया हो रही है वो लगातार हो रही है, एक ही क्रम में चल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रक्रिया लागत केंद्र। एक क्रिया लागत केंद्र की दशा में एक ही क्रिया को चलाने वाली सभी मशीनों या चालक एक केंद्र के अंतर्गत आते हैं, यानी एक क्रिया लागत केंद्र है और उसकी दशा में एक ही क्रिया को चलाने वाली सभी मशीनें या चालक एक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार विश्लेषण का उद्देश्य प्रत्येक क्रिया की लागत ज्ञात करना है, चाहे वह कारखाने में किसी भी स्थान पर क्यों न हो। अब विभाग और लागत केंद्र में अंतर करते हैं। लागत के केंद्र एक विभाग भी हो सकते हैं अथवा उप विभाग भी हो सकते हैं। संयंत्र या मशीन भी, मशीन का एक मध्य भी अथवा एक भी व्यक्ति भी लागत केंद्र के अंदर हो सकता है, जबकि
डिपार्टमेंट है वो क्रिया का एक भिन्न क्षेत्र है जिस पर प्रबंधक को पृथक अधिकार और दायित्व सौंपा जाता है। विभाग में ये कार्य होता है कि एक विभाग का अलग प्रबंधक होता है और उसका अधिकार और दायित्व अलग होता है, जबकि लागत केंद्र में विभाग भी शामिल है, उप विभाग भी शामिल है, संयंत्र या मशीन का एक पार्ट्स मध्य आइटम्स भी, अथवा एक व्यक्ति भी हम एक लागत के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, विभाग में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभाग एक अलग क्षेत्र होता है, अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका प्रबंधक का अधिकार क्षेत्र और दायित्व अलग होते हैं। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका नेक्स्ट जो था वो है प्रॉफिट सेंटर, एक केंद्र जिसके निष्पादन का उसके द्वारा किए गए व्यय तथा अर्जित की गई आय दोनों के रूप में मापन किया जाता है, उसे हम लाभ केंद्र कहते हैं। यानी वह केंद्र जिसके निष्पादन का, एक जो केंद्र है उसके निष्पादन का उसके द्वारा किए गए व्यय तथा अर्जित की गई आय दोनों के रूप में मापन किया जाता है, उसे लाभ केंद्र कहते हैं। इस प्रकार लाभ केंद्र व्यापार की क्रिया का वह भाग है जिसके आय व व्यय दोनों की पहचान की जाती है, जिसके आय व व्यय दोनों की पहचान की जाती है तथा क्रिया के उस विशिष्ट भाग द्वारा अर्जित लाभ अथवा हानि ज्ञात की जाती है, उसे हम लाभ केंद्र कहते हैं। लाभ केंद्र में व्यापार की क्रिया का वो पार्ट्स होता है जिसके अंतर्गत आय व्यय दोनों की हम पहचान करते हैं कि हमारी आय इतनी है, हमारा व्यय इतना है, तथा उस क्रिया के विशिष्ट भाग द्वारा अर्जित लाभ या हानि को हम ज्ञात करते हैं। थैंक यू। तो देखिए आपको दोनों जो टॉपिक्स है उस पर विस्तार से बात करनी है, चर्चा करनी है, उसको समझना है कि लागत केंद्र क्या है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, और प्रॉफिट केंद्र क्या है, उसमें किस प्रकार से इनकम का, एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया जाता है, इन सब के बारे में आपको हमने बताया है, आपने पूरा ध्यान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।